वर्तमान समय में यातायात बहुतायत में है, जिसके कारण दिनों दिन प्रदूषण फैलता जा रहा है, जिससे प्रदूषण का प्रभाव सबसे पहले हमारे शरीर के त्वचा पर पड़ता है, जिससे फुंसी, कील, मुहांसे, दाद आदि प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आज हम आपको आपकी त्वचा की बीमारी दाद के उपाय बताएंगे। अगर आपको दाद हो जाता है तो आपको दाद की जगह जलन व खुजली होने लगती है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो दाद होना एक आम समस्या सी बन चुकी है। ज्यादा दाद हमारे शरीर के प्राइवेट अंगों पर ही होता है। हम आपको बता दें कि यह लाल रंग का गोल आकार का होता है। अगर आप इसका जल्दी इलाज नहीं करते हैं तो यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लग जाता है, इसलिए आपको इसे बहुत ही जल्दी खत्म करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के दाद से परेशान हैं, तो आज हम आपको उसके बारे में उपाय बताएंगे, जो कि बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय है। दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा जैतून का तेल लेना है और हल्दी लेनी है। इसके बाद आप जरूरत के हिसाब से जैतून के तेल में हल्दी मिला ले। फिर ऐसा करने पर एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। इस मिश्रण को आप अपने दाद पर लगाएं। दोस्तों, इस मिश्रण को आप दाद पर कम से कम 5 घंटे तक लगा रहने दें। ऐसा अगर आप 5 से 6 दिन तक नियमित रूप से करते हैं तो आपका दाद हमेशा के लिए ठीक हो सकता है।